बिलासपुर की गोविंद सागर झील और कोल डैम में लगातार मछली उत्पादन में आई कमी के कारणों का पता करने के लिए कोलकाता और दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम बिलासपुर पहुंची है। दो दिवसीय दौरे के दौरान दोनों ही झीलों की गहन जांच कर निदेशालय के माध्यम से सरकार को यह अपनी रिपोर्ट भेजेगी। उत्तरी भारत को मछली की आपूर्ति करने वाले हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जलाशय गोविंद सागर झील व कोल डैम में घट रहे मछली उत्पादन पर रिसर्च करने के लिए मत्स्य विभाग नई दिल्ली के डॉक्टर सलीम सुल्तान के नेतृत्व में एक्सपर्ट टीम बिलासपुर पहुंच चुकी है। 5 सदस्यीय इस टीम में भारत सरकार के उच्च अधिकारियों सहित कोलकाता सिफ्री इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल है। विशेषज्ञ टीम ने बिलासपुर स्थित मत्स्य निदेशालय में अधिकारियों से पहले दोनों जलाशयों की पूरी जानकारी ली और जलाशयों का मुआयना करने के लिए रवाना हुई। टीम के साथ निदेशालय के अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। ये टीम बिलासपुर के गोविंद सागर और कोल डैम में रिसर्च के बाद एक माह तक सभी तथ्यों पर गहन जांच कर निष्कर्ष सहित अपनी रिपोर्ट मत्स्य निदेशालय के माध्यम से सरकार को भेजेगी, जिस पर अगली कार्य योजना बनाई जाएगी। तो हमारे सिफरी के जो सहयोगी हैं ये इसमें एक्सपर्ट हैं और ये प्रदेश को गाइड करेंगे कि आपको अपने रिजर्वायर्स में ये करना चाहिए जो मेजर्स हैं, और उनके तहत फिर हम उस उत्पादन को प्राप्त करें जिससे कि यहाँ जो फिशरमैन है, लोकल पॉपुलेशन है, उनका एम्प्लॉयमेंट और उनकी आय सुरक्षित हो सके। का जो रिजर्वायर है गोविंद सागर डैम जो है ना रिजर्वायर, यहाँ पर प्रोडक्शन पहले जो होता था अभी बहुत मात्रा में कम हो गया है। तो वो क्यों कम हुआ, तो हमारा जो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैरकपुर में, तो वहाँ से हमारा जो निर्देशक है वो हमको भेजा है इधर, तो इसको हमको एसेस करना है। हम लोग डिटेल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्लान बनाया, जिसमें हम लोग एक साल का स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी, जिसमें हम बता देंगे जो है ये रीज़न है, साइंटिफिक कारण है उसके लिए प्रोडक्शन कम हो गया, और फिर उसके प्रोडक्शन को ठीक ठाक सस्टेन करने के लिए क्या उसके रिकमेंडेशन है, क्या एक्शन प्लान्स है, तो डिपार्टमेंट विल फॉलो अकॉर्डिंगली। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।